एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक जहांगीराबाद में स्थित चरोरा गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 8 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 35 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने रामपाल सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 8600 की आबादी एवं 3500 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 767 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव के प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में 200 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 66 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 2 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 100 विद्युत पोल, 23 विद्युत ट्रांसफार्मर व 50 LED लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 23 CC टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व तालाब का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। तालाब, दो तालाब में सफाई हुई है, एक तालाब पर से अवैध कब्जा हटा, उसके बावजूद स्कूल पर काम हुआ, पंचायत घर पर काम हुआ, स्कूल में टोटल पर मिट्टी डलने के बाद में इंटरलॉकिंग हुआ है, पानी की टंकी फिटिंग वगैरह हुई है और शौचालयों का काम हुआ है, 50 शौचालय बन चुके हैं, स्कूल पर शौचालय बनी है, मरम्मत हुई है स्कूल की, पंचायत घर में मरम्मत हुई है, आंगनबाड़ी केंद्र की मरम्मत हुई है, सफाई हुई है और सबसे बड़ी मांग है हमारी पानी की मांग। पानी की निकासी के लिए हमारे गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। तालाब मैंने साफ करा चुका हूँ लेकिन तालाब छोटे हैं, पानी बहुत ज़्यादा है, समय बहुत है गांव में, इस वजह से पानी गलियों में भरा रहता है। जो हमारे गांव का सबसे बड़ा तालाब है वो 18 बीघे का है, जिसमें से आज की डेट में 6-7 बीघे लोगों ने छोड़ी, बाकी सब अवैध कब्जा है। मैं काफ़ी बार DM, SDM, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको लिख के दे चुका हूँ और लखनऊ भी गया 2-4 बार, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे पहली जो मांग है मेरी तालाब की है और आजकल आप जानते हो प्रधानों का खर्चा कितना है, मानदेय हमारा थोड़ा कम है, इसे थोड़े बढ़ाने की कोशिश की जाए।